पिछले कुछ महीनों में खालिस्तानी नैरेटिव को मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब जगह मिली है। हमारे सेलिब्रिटीज़ भी भिंडरांवाले की तस्वीर और वीडियोस को अपनी स्टोरीज में लगा रहे हैं, मगर इनका काला सच ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। अगर हम 9/11 से पहले की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी एविएशन ट्रेजेडी हुई थी कनिष्क अटैक, जिसके बारे में आज मुश्किल से कोई जानता होगा। मेरी खुद की कम्युनिटी टैब में 80% लोग इसके बारे में नहीं जानते। 23 जून 1985 को ये घटना हुई और लास्ट वीक हमने इसकी एनिवर्सरी मनाई। हमारे लोगों को छोड़िए, हमारी सरकारों तक को इसकी याद नहीं आई। इसीलिए आज इस वीडियो में इस पूरे के पूरे अटैक के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। Flight 182 was en route from Gandhi, Vancouver. Ruler of the world's largest democracy, died today. Blamed on the banned Babar Khalsa terrorist group. It's the Kanishka air crash. It exploded in the skies over Ireland. 29 people who died in the Kanishka bombing. देखिए, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जहां पर फोर्सेस यूज करके गोल्डन टेंपल से प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट को निकाला गया। अब फोर्सेस यूज करने की वजह से काफी बैकलैश हुआ और इवेंचुअली इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। इंदिरा गांधी हैज बीन शॉट और देश में एंटी सिख राइट्स भी भड़क गए। मगर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर तमाम सारे ग्लोबल टेररिस्ट ने एक प्लान हैच करना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि हम ऐसा रिवेंज लेंगे जहां पर दो फ्लाइट्स पर हम बॉम्ब लगाएंगे। इनमें से पहली फ्लाइट थी एम्परर कनिष्क। ये फ्लाइट कनाडा से इंडिया उड़कर आती थी, मुंबई में लैंड करती थी और बीच में दो स्टॉप थे, लंदन और न्यू दिल्ली। 23 जून 1985 की सुबह 7:15 पर जब ये फ्लाइट आयरिश वाटर्स के ऊपर उड़ रही थी, तब इसमें ब्लास्ट हुआ। बताया गया ये ब्लास्ट सैमसोनाइट के एक सूटकेस में भरे हुए एक्सप्लोसिव की वजह से हुआ था। इस सूटकेस को मंजीत सिंह नाम के आदमी ने इस फ्लाइट में चढ़ाया था और उसने खुद फ्लाइट बोर्ड नहीं करी थी। बताया गया कि उस दिन कनाडा के एयरपोर्ट में बैग चेक करने वाली मशीन्स काम नहीं कर रही थी और अथॉरिटीज के पास जो हैंडहेल्ड स्कैनर्स थे उनमें बताया गया था कि तेज बीप आई तो समझना एक्सप्लोसिव है। उसमें बीप धीमी आई और इस बैग को बहुत रश होने की वजह से पास कर दिया गया। दूसरा प्लेन बैंकॉक उड़कर जाने वाला था और ये तब ब्लास्ट हुआ जबकि ये टोक्यो के एक एयरपोर्ट में खड़ा था और इसमें दो बैगेज हैंडलर्स की डेथ हुई। दरअसल टेररिस्ट का प्लान ये था कि वो दूसरा प्लेन भी तभी ब्लास्ट होगा जब वो पूरा भरा होगा यात्रियों से और हवा में होगा, मगर वो गलती से डेलाइट सेविंग को अकाउंट करना भूल गए और उनके बॉम्ब की टाइमिंग गड़बड़ हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इतना बड़ा एविएशन अटैक 85 में हुआ कैसे? ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इससे पहले आपको एक कैरेक्टर के बारे में समझना होगा। इस इंसान का नाम है तलविंदर सिंह परमार। 1970s में ये भारत से कनाडा भागा था और 78 में इसने वहाँ पर जाकर बब्बर खालसा नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि अभी डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट है। 1981 में ये भारत में जब आया तो इसने कुछ पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया और 83 में पता चला कि ये जर्मनी में है, मगर इससे पहले जर्मनी से इसे भारत लाया जाता, वो वहाँ से भाग निकला और कनाडा पहुँच गया। 84 में कनाडा को भारत सरकार ने इसके एक्सट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी, मगर कनाडा ने इसे एक्सट्रेडाइट करने से मना कर दिया। और 1985 में कनिष्क बॉम्बिंग में की कॉन्स्पिरेटर का नाम था तलविंदर सिंह परमार। परमार के अलावा इसमें और भी को कॉन्स्पिरेटर थे, जैसे कि इंद्रजीत सिंह रियात, रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह पागरी। इन सब के साथ क्या हुआ वो सब समझेंगे, मगर इससे पहले समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी एविएशन ट्रेजेडी होने के पीछे कहां कहां पर क्या क्या गलतियां हुई होंगी। अब सबसे पहली चीज़ तो यही लगती है कि अगर परमार को 84 में ही भारत एक्सट्राडाइट कर दिया जाता तो शायद 85 का ये अटैक पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता था, मगर इसके बाद भी एक सीरीज ऑफ फॉल्ट्स हमें देखने को मिली है कैनेडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से, जिसकी वजह से ये अटैक हो पाया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि CBC ने दो पार्ट में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है और उन्होंने बताया है कि कैसे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि CSIS इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी बड़ी गलतियों की वजह से ये अवॉइडेबल अटैक हो पाया। दरअसल इसकी शुरुआत 1982 से होती है, जब भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैनेडियन अथॉरिटीज को कहा था कि देखिए आपके यहाँ पर खालिस्तानियों का थ्रेट है। इसके बाद अगस्त 1984 में कैनेडियन क्रिमिनल गैरी ने बताया कि परमार ने उसे सूटकेस भर के पैसा ऑफर कराया एक फ्लाइट में बॉम्ब लगाने के लिए। सितंबर 1984 में एक लिकर शॉप में काम करने वाला वर्कर ग्रेवाल भी इसी तरह के थ्रेट की तरफ इशारा करता है, मगर इस बात को भी अनरिलायबल बता दिया गया।
अक्टूबर 1984 में भारत में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। इसके बाद 1985 में CSIS को ये परमिशन मिल गई कि वो तलविंदर सिंह परमार को सर्विलेंस पर डाल सके और उसकी बातों को रिकॉर्ड कर सके। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए इसे याद रखिएगा, ये आगे भी आएगा। 1 जून 1985 में एयर इंडिया के बॉम्बे ऑफिस ने कैनेडियन अथॉरिटीज को यह बताया कि हमारा एक प्लेन जो कि कनाडा से उड़कर भारत आने वाला है उसे यूरोप के ऊपर उड़ाने की साजिश चल रही है। इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 4 जून 1985 को CSIS के दो एजेंट्स लैरी लो और लिन मैकेडम्स ने परमार और रियात को ट्रैक करा। ये इन्हें जंगलों तक ट्रैक करते हुए गए और उन्होंने पता लगाया कि ये लोग ब्लास्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसका ट्रायल उन जंगलों में किया गया। इस ट्रायल के बाद परमार भागकर हैमिल्टन गया और वहां पर अपने कई सारे सपोर्टर्स से भी मिला। जून के ही महीने में पॉल बेसो नाम का एक इन्फॉर्मेंट था जो कि RCMP के लिए काम करता था, उसने भी कुछ टेररिस्ट के बीच की बातों को रिकॉर्ड करके ये बताया कि कैसे वो लोग भी एक अटैक प्लान कर रहे हैं। मगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी 23 जून 1985 की कनिष्क बॉम्बिंग को कैनेडियन अथॉरिटीज रोकने में असफल रहीं। कहा जाता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन आपस में अथॉरिटीज़ ने एक दूसरे से शेयर नहीं करी और कई सारे थ्रेट्स को नॉन क्रेडिबल या नॉन रिलायबल बताकर इग्नोर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, आपको याद है मैंने बताया था CSIS को परमिशन मिली थी परमार को सर्विलेंस पर रख के उसकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए। इस सर्विलेंस को कनिष्क बॉम्बिंग के कुछ हफ्तों पहले हटा लिया गया और इसकी तमाम सारे जो टेप रिकॉर्ड थे उनको इस अटैक के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया। RCMP जो दूसरी अथॉरिटी थी उसने इस पर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताया कि इस टेप में बहुत सारे ऐसे की हो सकती थी इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। दरअसल उन्हें ये टेप तो नहीं मिले मगर इन टेप्स की ट्रांसक्रिप्ट्स मिली जिसके जरिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। मगर चूंकि ओरिजिनल टेप डिस्ट्रॉय हो चुके थे इसलिए ये ट्रांसक्रिप्ट्स और बाकी सारे एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं थे। तो इससे ये पता चलता है कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने ना तो अटैक के पहले अपना काम अच्छे से करा और ना ही इसके बाद, इसीलिए ना तो ये अटैक अवॉइड हो सका और ना ही इसका ट्रायल अच्छे से रन किया जा सका। आपको याद है इस वीडियो की शुरुआत में मैंने चार नाम बताए थे, तलविंदर सिंह परमार, इंद्रजीत सिंह रियात, रिपुदमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बाकरी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक थी कि इतने बड़े बॉम्बिंग केस में सिर्फ चार कॉन्स्पिरेटर्स के नाम आए और उसमें भी रिपुदमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बाकरी को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। परमार 1991 में भारत आया और पंजाब पुलिस के हाथों मारा गया और इतने बड़े बॉम्बिंग केस में सिर्फ एक कॉन्विक्ट बना, इंद्रजीत सिंह रियात। बताया गया रियात ने इस बॉम्ब को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और उसने ही कोर्ट में इतने झूठ बोले जिसकी वजह से रिपुदमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बागरी अक्विट किए जा सके और फाइनली रियात को भी सिर्फ कुछ सालों की जेल हुई और वो भी जेल से रिहा हो गया। यानी कि इतने बड़े ब्लास्ट केस में जहां पर इतनी सारी जानें गईं किसी को भी कोई बड़ी सजा नहीं मिली। इस ब्लास्ट के 20 साल के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसमें एक पब्लिक इंक्वायरी ऑर्डर करी जिसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट अभी भी पब्लिकली अवेलेबल है और इस रिपोर्ट के ओपनिंग रिमार्क में जज जॉन सी मेजर ने कई सारी वो बातें लिखी जो CBC की इन्वेस्टिगेशन को वेरीफाई करती हैं। इन्होंने कहा कि RCMP और CSIS दोनों ही अथॉरिटीज़ के पास एम्पल इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह का कोई अटैक हो सकता है। इन्होंने ये भी लिखा कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो या तो था ही नहीं या तो बिल्कुल ना के बराबर था। और इन्होंने ये भी लिखा कि परमार के टेप्स का डिस्ट्रॉय किया जाना एक बहुत सीरियस घटना थी और ये दिखाता है कि कैसे हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी की पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और अगर टाइम ना हो तो एटलीस्ट ये ओपनिंग रिमार्क तो ज़रूर पढ़ें। और अंत में मैं बस आपको कुछ सवालों के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। सवाल यह है कि भारतीयों पर हुए इतने बड़े अटैक के बाद भी भारत की सरकार कनाडा पर प्रेशर बनाने में फेल क्यों रही कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाए। सवाल यह है कि जब US 9/11 को इतने सालों तक याद रखता है तो हम अपने देश पर हुए इतनी बड़ी एविएशन अटैक को कैसे भूल गए। सवाल यह है कि जब आज खालिस्तानी टॉकिंग पॉइंट्स मेन स्ट्रीम हो रहे हैं तब खालिस्तानियों के काले इतिहास का ये टेरर अटैक किसी को क्यों याद नहीं। इन सब सवालों का जवाब बस एक है, हमारी सरकार का कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट फेलियर। वो फेल हो गए तो क्या, आप फेल मत होइए। इस वीडियो को और इस इन्फॉर्मेशन को आगे तक जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुने जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोज़ आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रियन से, वहां पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहां पर मिलूंगा, उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद,
वंदे मातरम।